सर ये गलत बात है, पहले सरकार को लागू ही नहीं करना चाहिए था। पहले लोग जब नोटबंदी हुई थी तब से परेशान है, कारोबार नहीं है, लोग भूखे मरने के कगार पे हैं। अभी दोबारा नोटबंदी कर रहे हैं तो फिर नुकसान ही होगा सर। छोटे बड़े व्यापारियों को कैसे इसको दिख रही है? छोटे बड़े व्यापारी तो पहले सर मरे हुए हैं, वो क्या करेंगे, पहले काम नहीं है। सुबह आते हैं दुकान पे धूप बत्ती करके बैठ जाते हैं, शाम को खाली के खाली चले जाते हैं, बच्चों से भी झगड़ा होता है, बच्चों ने तो चीज़ें मांगनी है, व्यापारी कहाँ से देगा जब कारोबार ही नहीं है। नोटबंदी की वजह से पहले नुकसान हो रहा, फिर नुकसान हो जाएगा। कैसे देखते हो सरकार की? गलत सरकार की नीयत ही है सर। अगर पहले वो करना था तो इन्होंने नोट 2000 का नोट चलाना ही नहीं था, बनाना ही नहीं था, पहले लागू ही नहीं करना था। पहले लागू किया तो बंद क्यों कर रहे? गरीब आदमी के पास कहाँ 2000 का नोट आता है, 100, 200, 500 का नोट आता है सर। बंद करने का सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, इसे कैसे देखते हो आप? देखिए, जो पहले नोटबंदी की गई थी मोदी सरकार की तरफ से, भारत के लोग उससे अभी तक उबर भी नहीं पाए थे और उसके जो जख्म थे उस नोटबंदी के आज तक भी ताज़ा हैं। लेकिन अचानक से जो कल फैसला लिया गया है 2000 के नोट बंद करने का, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब पहले नोटबंदी हुई थी तो अचानक से जो लोग थे वो एकदम से पुराने नोट 500 के दुकानदारों को, व्यापारियों को दे गए थे, तो उसको जो बदलने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी थी, व्यापारियों को लाइनों में लगना पड़ा था छोटे व्यापारियों को। तो मैं समझता हूँ कि जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ने वाली है। एक और पक्ष है इसका कि जैसे जो महिलाएं हैं, गृहणियां हैं घरों में, वो छोटी छोटी बचत करके अपना कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 10,000 के नोट इकट्ठे करके रखती हैं, सालों भर की वो बचत होती है। उस बचत के बारे में कई बार पुरुषों को भी नहीं पता होता, लेकिन अब जब दोबारा से जे नोटबंदी का तरीका, जो 2000 के नोट बंद करने का जो फैसला लिया गया है, उन महिलाओं पे एक बार फिर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। सही किया या गलत किया है? मैं निजी तौर पे कहूँ तो ये बहुत ही गलत फैसला है, लोगों को बहुत ही परेशान करने वाला फैसला है। 2000 का नोट बंद करने का फैसला लिया केंद्र सरकार ने, जो आरबीआई ने, कैसे देखते हैं आप? सर, एक चीज़ तो समझ नहीं लगी कि अभी 5-6 साल पहले ही 2000 का नोट आपने नया चलाया है और अब रातों रात फैसला कर दिया कि 2000 का नोट बंद कर दिया। आप एक चीज़ देखिए कि ट्रांजैक्शन के लिए 2000 से छोटा नोट 500 का नोट है। अगर हमारे अपने बिजनेस की हम बात करें, अगर किसी ने ट्रांजैक्शन कर लिया तो 50,000 का सामान लेता है, उसको कैसे करेंसी को हमने गिनना है? 2000 के नोट के साथ बड़े आराम से ट्रांजैक्शन हो रही थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो अब हमें, अगर किसी के पास 2000 का नोट लोगों ने होल्ड भी किए हुए हैं, वो अब आएंगे बिजनेसमैन के पास। जब आएंगे, हम लोग जब बैंक्स में जाएंगे, बैंक्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इसको डिपॉजिट करने के लिए कई तरह की डिमांड करेंगे। वो कहेंगे जी आधार कार्ड लाइए, वो लाइए, जबकि मेरे पास अगर मैं कोई डिपॉजिट करवाने जाऊँगा तो वो नोट तो होंगे लोगों के। आपने मेरे से किसी ने टीवी लिया, किसी ने फ्रिज लिया, किसी ने एसी लिया, और इन पैसों को डिपॉजिट कराने के लिए हम लाइनों में लगे रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे नोट लेके जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अब सबसे बड़ी बात है, अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी पॉलिसी करनी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। अभी जस्ट 5-6 साल पहले जिस करेंसी को आपने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, ये बहुत अच्छी चली भी नहीं, और उसको रातों रात आप बैन कर रहे हो, कुछ समझ नहीं लग रही। इसमें बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट भी पड़ेगा। या तो फिर पॉलिसी ऐसी हो कि नोट बड़ा हो ही ना, किसी तरह का भी कोई होल्ड करने वाला काम भी ना हो, हर तरह की ट्रांजेक्शन फिर ऑनलाइन कर दो। अगर कोई प्रॉपर काम करा तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। मैसेज पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप पे, काफ़ी तरह के मैसेज आ रहे हैं कि आपको 23 तारीख तक जितने मर्जी करेंसी डिपॉजिट करा लो, कोई फर्क नहीं है। आने वाले टाइम पर ये बता रहे हैं कि 30 सितंबर तक आप जितनी मर्जी करेंसी एक्सचेंज कर लो, दिन में 20,000 की एक्सचेंज करेंगे, लेकिन इस चीज़ों का बैंक को भी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। आज की बात है, मेरा कस्टमर अभी बता रहा था कि वो जस्ट 10,000 रुपया 5 नोट डिपॉजिट कराने गया तो उसको बोलते हैं जी आधार कार्ड दो। ये तो कोई ठीक बात नहीं है ना, अपने पैसे डिपॉजिट कराने के लिए वो आधार कार्ड दे रहा है, वो नेक्स्ट डे अगर किसी बिजनेसमैन के पास तो रोज़ ट्रांजैक्शन आएगी,
जहाँ तो इसको आपने रातों रात बंद कर दिया हो कोई फर्क नहीं। जो नोट अभी आप कह रहे हो 30 सितंबर तक चलेंगे, अगर वो नोट हमें रूटीन में आएंगे, हम लोग डिपॉजिट कराने जाएंगे तो हम कहाँ से रोज आधार कार्ड लगाएंगे? लगाएंगे तो कल को बैंक हमसे पूछेगा या सरकार हमसे पूछेगी ये नोट कहाँ से आए। इससे बिजनेस में लॉस होगा, बिजनेस में तो लॉस होगा जी। मेरे ख्याल से जो लोग तो बड़े होल्डर हैं, जिन्होंने पैसे होल्ड किए हुए हैं, उनको तो फर्क ही कोई नहीं, उनके तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाने हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे अगर हमारे पास आएंगे, अगर हमारे नोट। सर जो सेंटर सरकार ने जो 2000 का नोट बंद करने का फैसला लिया है, जो RBI ने, कैसे देखते हैं आप एक बिजनेसमैन है? देखिए, जो भी सरकार फैसला लेती है वो कुछ ना कुछ सोचकर ही लेती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ी सी परेशानी तो आएगी। जैसे मेरा बिजनेस गोल्ड का है तो हमें गोल्ड आने के लिए बाहर से उतने ही ज़्यादा कैश कैरी करना पड़ेगा, थोड़े सा लाभ, थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें आएगी, लेकिन फिर भी हम जो भी डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है हम उसके साथ हैं। सर जो बिजनेस में भी इससे कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जब ये नोट बंद होगा तो आप बड़ा बिजनेस करते हैं? नहीं, देखिए थोड़ा सा जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है थोड़ा सा फर्क तो मार्केट में पड़ता ही है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। जब नोटबंदी भी हुई थी 2016 में तब भी तो सब कुछ अब नॉर्मल हो ही गया है, ये कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी फैसला देश के लिए होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है कैसे देखते हैं, जो 2000 नोट का बंद करने का फैसला लिया है? जो केंद्र सरकार ने ये 2000 रुपये का नोट बंद करने का फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है। इससे जो ब्लैक मनी है, जो लोगों ने जैसे पहले 500 के नोट अपने घर में छुपा के रखे हुए थे, वो ब्लैक मनी 2000 रुपये की इसी तरह जो है बाहर निकलेगी। जिन्होंने अपने 2000 रुपये नोट जो है सेव करके रखे होंगे वो आज बाहर निकलेंगे, इससे कोई व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे जिन्होंने दो नंबर के पैसे जो है वो इकट्ठे किए होंगे। लेकिन सर लगता नहीं है कि कहीं इससे आने जाने में, जब कोई पैसों का आदान प्रदान करता था तो पहले पता नहीं चलता था, लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं कि पहले लूटपाट बहुत होती थी उससे भी इससे ज़्यादा होगा। जो लूटपाट की बात है वो तो ऑलरेडी पहले भी होती है, अब भी होगी। और दूसरे नंबर पे जो पैसों की बात है कि कम पैसे में 2000 की नोट जो है कम थर्टी में जाते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल पेमेंट चलती है, चेक के थ्रू रहती है। आजकल जितने भी व्यापारी है वो कैश में तो कम करते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट चलती है और चेक के थ्रू चलती है। तो इससे कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला लूटखो में, कोई फर्क पड़ना वो तो ऑलरेडी आज आप देख रहे हो, मार्केट में देखते हो। वैसे भी कोई अगर बाजार में जा रहा होता, कोई लेडीज जा रही होती है या कोई भी जा रहा होता, तो एक पब्लिक होते तो बाइक पे लड़के आते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, बालियां उतार के ले जाते हैं, ये ऑलरेडी है, ये कुछ नहीं है। गन पॉइंट पे लोग क्या कहते हैं गाड़ियां छीन के ले जाते हैं, तो पैसे की तो बात ही बहुत दूर है। आपको फैसला सही लगा? बिल्कुल सही फैसला। वीर जी, अज जो 2000 का नोट बंद होया वा उनके बारे की थोड़ा ख्याल कहना जी? 2000 का नोट जो बंद होया बहुत ही वधिया होया, क्योंकि जिन्ना करके लोगों को बड़िया मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। पहली गल आप 2000 का नोट लैके चले जाने बाजार च, कितने जाओ पर्चिया नहीं देंगे, जो भी चाहिए पर्चिया देंगे नहीं, वो कहते 2000 का नोट नहीं चलना। ये जो भी बंद हो गया है, जो भी मोदी सरकार कर रही है बहुत ही ज़्यादा वधिया कर रही है, बस यही है। अभी तो यह कहने भी चलो जो भी बंद होंगे हो गल खत्म।